नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा तमंग प्रधान। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में स्टेट कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। राज्य मंत्रिमंडल ने अरुणाचल आइडल, मिस अरुणाचल, अरुणाचल गॉट टैलेंट के लिए धनराशि 40 लाख से बढ़ाकर 80 लाख करने का लिया निर्णय। स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक आलो लिबांग ने कहा, तूतिंग, गेलिंग सहित चीन सीमा से लगे गांवों में कनेक्टिविटी, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर। राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों की आवाजाही के लिए भी सड़कों का विकास प्राथमिकता। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के त्वरित विकास का प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है लाभ। सिमलेस कनेक्टिविटी से वर्ष 2022 में 1,19,00,000 से अधिक पर्यटकों ने नॉर्थ ईस्ट का किया भ्रमण। उड़ान योजना से नॉर्थ ईस्ट में रीजनल कनेक्टिविटी का हुआ विस्तार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में स्टेट कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। राज्य मंत्रिमंडल ने अरुणाचल आइडल, मिस अरुणाचल, अरुणाचल गॉट टैलेंट सहित युवाओं की प्रतिभा खोज से संबंधित सिंगिंग, डांसिंग और फैशन वर्ल्ड की प्रतियोगिताओं के लिए सरकार की तरफ से दी जाने वाली धनराशि को 40 लाख से बढ़ाकर 80 लाख करने का निर्णय लिया है। बैठक के दौरान राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं को पारदर्शिता के साथ त्वरित गति से पूरा करने और योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इधर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि राज्य के लोगों को बेहतर हेल्थ केयर गुड गवर्नेंस का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और ओवरऑल इकोसिस्टम को भी मजबूती देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री और तूतिंग यिंकियोंग विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक आलो लिबांग ने कहा है कि तूतिंग, गेलिंग सहित चीन सीमा से लगे गांवों को सड़कों से जोड़ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकने के लिए स्थानीय लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। श्री लिबांग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण सीमावर्ती इलाकों के लिए टिकाऊ सड़कों के निर्माण पर बल दे रही है ताकि सैनिकों की आवाजाही में आसानी हो। वो जहाँ से सांकोड़ी बड़ एंट्री करता है सियांगड़ी बड़, जो अरुणाचल में एंट्री करके सियांगड़ी बड़ है, तो वो 1962 में भी वहाँ से चाइनीज लोग का एग्रेशन में आया था, आके हमारे वहाँ का जो आउटपोस्ट को भी वहाँ से भगाया था। तो उसमें अभी तक तो हमारे वहाँ का प्रॉब्लम है, अभी फिलहाल गेलिंग है, गेलिंग में अभी तो रूट तो पहुँच रहा है और गेलिंग से बॉर्डर भी 30 मिनट्स का जो पैदल रास्ता है उसमें भी हम लोग रूट अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन मेन टू बहुत सियांगड़ी वाले है, लेफ्ट एंड राइट में वहाँ में रूट का बहुत जरूरी है। तो फिर भी अभी हम लोग पीएमजी वाई से उसको कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी तक तो वहाँ में 2 बस्ती तक तो वहाँ रूट नहीं पहुँच पाते हैं। तो अभी मैं MLA बनने के बाद में वहाँ में जो बिसिंग बोल के और एक गाँव है वो गेलिंग से भी और आगे है, तो उसमें कुछ हमारा एस्टैब्लिशमेंट नहीं था, आर्मी का नहीं था, ITBP का नहीं था, इवन बहुत सा कमी था, तो उसको भी अभी हम लोग आर्मी पोस्ट लगाए। जस्ट रिसेंटली 2 साल पीछे में इन लोग चाइना से 2 किलोमीटर ज़्यादा हमारा ये एरिया में वो कंस्ट्रक्शन होके भी है, तो फिलहाल उसका बाद में हमारा इंडियन आर्मी उसको ये करके देख के बन के आए, जहाँ से मैकमोहन लाइन है वहाँ में अभी आर्मी बैठ रहे हैं। तो अभी हमारे वहाँ में नीट है, रूट कंस्ट्रक्शन मेन है, मतलब रूट कंस्ट्रक्शन होने से बहुत ठीक होगा, तो वहाँ अभी उसी का कारण से आदमी माइग्रेशन हो रहे हैं। तो माइग्रेशन को बंद करने के लिए मैं अपना जो SIDF 5 है, मैं वो जितना भी गाँव है वहाँ बिसिंग है, मैं सबको मैं हाउस कंस्ट्रक्शन किया है। जो लास्ट वर्जन में बिसिंग में 18 हाउसेस था मैं बनाते समय, तो इन लोग का हमको डिमांड कर 24 हाउसेस बनाना है, हम लोग भी बेहतर बोल के, तो अभी 24 हाउसेस बने हैं। तो वहाँ का जो गुम्पा में भी मैंने उसको साथ बन करके अभी गुम्पा भी होने वाला है, ख़त्म होने वाला है,
और वहाँ में अभी ITBP पोस्ट अभी हो गया, और वहाँ में अभी मैं जस्ट रिसेंटली उसके लिए हेल्थ सेंटर भी खुला है सब हेल्थ तक, क्योंकि उसको हम लोग फैसिलिटी देना चाहिए। वो अभी ये गेलिंग से 5 किलोमीटर ये 5 आवर्स ये पैदल जाना पड़ता है उस गाँव में जाने के लिए। तो उसका जस्ट नेक्स्ट में मयूंग पहुँचती है, मयूंग में भी 18 हाउसेस है, उसको भी मैं 100% गौर को पूरा बना दिया है। तो उस एरिया में जो मैं MLA बन के आने से पहले देखा है, तो साइनेस का उस काम का पार्ट में वहाँ से देख रहा है, पोलियो देखने से उनका वेल प्लान करके घर बने हैं। तो हमारा यहाँ का पत्तागढ़ से तुता पुता ऐसा था, इसलिए मैं ये होने से ठीक नहीं है बोल के मैं अपना जितना पान से उस गाँव को सबको हम अभी टीनागढ़ बने हैं। तो अभी वहाँ में इन लोग खुशी है, पब्लिक भी खुशी है। तो अभी उसमें हम लोग मेन रोड कंस्ट्रक्शन होना पड़ेगा, क्योंकि मिलिट्री पर्पज के लिए भी वहाँ में। केंद्र सरकार ने देश के भविष्य यानी स्कूली बच्चों की बुनियाद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत देश भर में लगभग 14,500 स्कूलों को पीएम श्री योजना यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत अपग्रेड किया जाएगा। शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पिछले साल पीएम श्री स्कूल योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना से समाहित अनुकरणीय मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित होंगे। पीएम श्री योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय ने 9,000 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसकी घोषणा जल्द ही की जा सकती है। 7 राज्यों बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों ने अपने स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर पीएम श्री योजना को अपनाने के लिए कहा है, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जा सके। 27,360 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट वाली पीएम श्री स्कूल योजना अगले 5 साल के दौरान लागू की जाएगी। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके लिए केंद्र सरकार 18,128 करोड़ रुपये की राशि देगी। पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लॉक के 2 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इन स्कूलों में शिक्षा मुहैया कराने का तरीका आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र होगा। इनमें खोज उन्मुख, छात्र केंद्रित और ज्ञान आधारित शिक्षण पर जोर दिया जाएगा। साथ ही हर कक्षा में छात्रों के लर्निंग आउटकम में सुधार पर जोर दिया जाएगा। ये स्कूल नवीनतम तकनीकों से युक्त होंगे और इनमें स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी और तमाम आधुनिक सुविधाएं होंगी। देश के 18 लाख से अधिक स्कूली छात्रों को पीएम श्री योजना का लाभ मिलेगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सरस्वत ने कहा है कि देश में स्टील इंडस्ट्री से हर दिन बड़े पैमाने पर स्लैग निकलता है और इसका उपयोग अरुणाचल सहित सभी राज्यों में कम लागत में टिकाऊ सड़कों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। पहली बार लोअर सुबनसिरी जिले में स्टील स्लैग में बनाए गए जोराम कोलोरियांग सड़क परियोजना के 1 किलोमीटर सड़क का जायजा लेने के बाद श्री सरस्वत ने कहा कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीमा सड़क संगठन, टाटा स्टील के साथ मिलकर केंद्र और राज्य सरकारें सड़कों की मरम्मत हर साल खर्च में कमी लाने के लिए स्टील स्लैग की सहायता से सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नीति आयोग देश भर में ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। और BRO, टाटा स्टील सबने मिलके ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सपना था, उसको इन्होंने पूरा किया है। क्या सपना था उनका? उनका सपना था हमारे देश में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, उस वेस्ट को हम जो है वेल्थ में कन्वर्ट करें। 3 इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। एक तो स्टील इंडस्ट्री है, 1 टन स्टील बनाने से 200 किलो स्लैग निकलता है। इसी तरह अगर हम थर्मल पावर प्लांट देखें तो वहाँ पे टन्स ऑफ फ्लाई ऐश मिलता है। इसी तरह हम एल्यूमिनियम प्लांट देखें तो वहाँ हमें रेडमंड मिलता है। इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा उपयोग हैं। अगर हम उनको यूटिलाइज करें तो हमें उससे वेल्थ मिल सकती है। ये उनका प्रयास था और ये बात उन्होंने नीति आयोग को
आज से करीब 3-3.5 साल पहले कही थी। तो हमने इस विषय पर चर्चा की नीति आयोग में, और उसके साथ IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, सेंट्रल रेलवे रिसर्च इंस्टीट्यूट, सब लोगों ने मिलकर इस दिशा में कार्य शुरू किया। जो पहला सबसे ज़्यादा सफलता मिली है वो सेंट्रल रोड रिसर्च में डॉक्टर पांडे के कार्यक्रम से हमें स्लैग जो होता है, स्टील स्लैग, उसको हम एग्रीगेट बना के रोड बनाने में काम में ला सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। इसको उन्होंने यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट किया है, 1 किलोमीटर ले रोड बना के हमारे BRO के इंजीनियर्स के। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर का तेजी से विकास हुआ है और इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 में 1,18,00,000 से अधिक घरेलू पर्यटक और करीब 1,00,000 विदेशी पर्यटकों ने नॉर्थ ईस्ट का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि सिमलेस कनेक्टिविटी और आधारभूत सुविधाओं को गति देने से ट्रैवल आसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बूस्ट देने के लिए 21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई उड़ान योजना के तहत रूपसी, तेजू, तेजपुर, पासीघाट, जोरहाट, लीलाबाड़ी, शिलोंग, पाक्योंग, ईटानगर और दिमापुर सहित 64 रूट पर विमान सेवाएं शुरू हुई है। श्री खांडू ने कहा कि पूर्वोत्तर में एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 16 हो गई है और 361 किलोमीटर रेल नेटवर्क को कमीशन किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 5,137 किलोमीटर राजमार्ग विकास कार्य को मंजूर किया गया है। इधर केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद टीवी के साथ अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पूर्वोत्तर में केंद्र सरकार की कनेक्टिविटी विस्तार की पहल के सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं और इससे क्षेत्र में पर्यटन को भी एक नया आयाम मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन के आधार पर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऐसा स्टेट है, आप न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड जाते हैं तो जाने का ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा टूरिज्म डेस्टिनेशंस नॉर्थ ईस्ट में दिखता है। पहले तो कनेक्टिविटी नहीं थे, रोड नहीं थे, ट्रेन नहीं थे, फ्लाइट ठीक तरह से कब चलता पता नहीं, इसके कारण टूरिस्ट का इन्वेस्टमेंट कोई आए नहीं आगे। अभी अभी हर इम्पॉर्टेंट जगह में जो स्टार होटल्स बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अच्छे मिडिल क्लास होटल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और लोअर इनकम के लिए भी होटल्स बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बैंकर्स के साथ मीटिंग हुआ है, IDB बैंक के साथ मीटिंग हुआ है, जयका के साथ भी मीटिंग किया है, वो लोग भी ऐसे प्रोजेक्ट्स भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए निर्णय किया है। वैसे ही हम 100 प्लेसेस टूरिज्म व्यू पॉइंट्स टूरिज्म मिनिस्ट्रीज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DD न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार PM मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे कुछ चुनिंदा अंश। चाहे गरीबी से निपटना हो, बीमारियों से बचना हो, दुनिया से जुड़ना हो, ज्ञान जानकारियां पहुंचाना हो, टेक्नोलॉजी ने, विज्ञान ने अपनी जगह दर्ज करा दी है। 15 फरवरी 2017 भारत के जीवन में गौरवपूर्ण दिवस है। हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है, और हम सब जानते हैं कि इसरो ने कुछ वर्षों में कई अभूतपूर्व मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। असम के जयसागर शिवसागर में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 149वीं बटालियन द्वारा नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत चांगलांग के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल PWD कॉम्प्लेक्स के छात्रों को स्वच्छ पेयजल के लिए सिलिंड्रिकल आयरन रिमूवल फीटर की सुविधा से लेस वाटर प्यूरिफायर प्रदान किया गया। इससे टीचिंग स्टाफ और छात्रों को प्रतिदिन घंटे 100 लीटर पेयजल उपलब्ध होगा। इसका लाभ स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। CRPF द्वारा पर्याप्त जल के स्टोरेज के लिए टैंक भी मुहैया कराया गया है। स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में चांगलांग के ADC मार्पे रीबा, CRPF के 186वें बटालियन के कमांडेंट जनार्दन उपाध्याय और CRPF के 149वीं बटालियन के कर्मी मौजूद थे।
हर घर में हर पार्टिया में कहीं भी जाओ आपको एक बोतल वाला पानी दिया जाता है और हमें ये पता नहीं चलता कि वो बोतल वाला पानी कितना शुद्ध है। पीने का जो क्वालिटी रहती है, पोर्टेबिलिटी जो रहती है, वो है या नहीं वो हमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जो बोतल आपके सामने रख दिया जाता है उसको हम पी लेते हैं और उससे कई बार जाने अनजाने में हम में ऐसी बीमारियां फैल जाती जिसका कि कोई जरिया हमें पता नहीं होता, लेकिन जब हमारे बदन ये जवाब देने लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़। तो ये सब चीज से आपको मुक्त कराने के लिए हमारे CRPF की इनिशिएटिव से सिविक एक्शन प्लान जो हर साल करते हैं, ये फौजी से बढ़कर देश को तो रक्षा करते ही है, साथ में हमारे स्वास्थ्य को हम ये जितना भी सिविलियंस है उसको आगे कैसे ले जाना है इसके ऊपर में बहुत जोरदार से कार्य करते हैं। मैं यही बोलूंगा कि CRPF जहाँ भी रहती है, जहाँ भी डिप्लॉयड होती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें ताकि अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में मोपिन गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के तहत खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। मंगलवार को पुरुष और महिला वर्ग में आयोजित टग ऑफ वार प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किया गया। खेल मंत्री मामा नातुंग ने आज देना नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑडिटोरियम ईटानगर में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। टेबल टेनिस अरुणाचल द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में संघ के सचिव पासंग दोर्जी मेगेजी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राज्य में टेबल टेनिस को लोकप्रिय बनाना और उभरते हुए खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना है। अपने संबोधन में खेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार और युवाओं को खेल क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हम जो टेबल टेनिस का खिलाड़ी है आप सर जो हमारे खेलने वाले सभी बहुत ही पूरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं एमपी जा रहे हैं कि ये इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हम हमारे जो टूर्नामेंट के लिए हमारे जो चार के पूरे भारत में खेले गए और विदेश में खेले गए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं पूरे सरकार की ओर से हमारे विभाग की ओर से टेबल टेनिस एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश को पूरे टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले भी हमारा अरुणाचल प्रदेश के बच्चे खिलाड़ी ने अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।